हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा। फ्रेंड्स, दिस इज़ लेक्चर 14 फॉर MCQs ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ऑलराइट, अभी तक 13 लेक्चर्स देख चुके हैं। द लेक्चर्स आर हाईली इंपॉर्टेंट फॉर योर UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम, EPFO एग्जाम स्पेसिफिकली। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल उसमें हाईलाइटेड है, इसीलिए हम अभी हिस्ट्री में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ही कर रहे हैं ताकि EPFO वाले बच्चों का कवर हो जाए। ओके, वंस दिस EPFO एग्जाम इज ओवर, वील विल स्टार्ट विद योर एंशियंट एंड मिडिवल इंडियन हिस्ट्री MCQs ऑल्सो। ओके, सो 14th लेक्चर है। हर लेक्चर में 5 क्वेश्चंस देख रहे हैं। ऑलराइट, सो अराउंड वी हैव डन 70 क्वेश्चंस फॉर आफ्टर दिस लेक्चर, अराउंड 70 क्वेश्चंस हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के कवर हो जाएंगे। ओके, PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से मिल जाएगा। उसके अलावा जो EPFO के बच्चे हैं वो MCQ कोर्सेज भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। MCQ कोर्स फॉर गैप, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, या फिर आप कॉम्बो कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, या फिर आप व्हाट्सएप कीजिए 9041244689 पर, या फिर मेल कीजिए sikshit@gmail.com के ऊपर। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे। प्रोसेस वही रहेगा, क्वेश्चन आपके सामने आएगा, खुद से आंसर करने की कोशिश जरूर करिएगा, फिर एक्सप्लेनेशन उसकी देखेंगे। ऑलराइट, सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड ही मेनली आज के क्वेश्चंस भी रहेंगे। देखो, टॉपिक हमने अच्छे से उखाड़ के कर लेने हैं सारे, जो भी करने हैं। सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड 2017 में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, इसीलिए इसको इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। पहला सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द प्लेज मूवमेंट। प्लेज मूवमेंट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च की टू इंस्पायर पीपल टू टेक अ प्लेज अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। देखो, इसके अंदर आपको क्वेश्चन के अंदर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है कि ये पर्टिकुलर प्लेज मूवमेंट किस रीजन के लिए लॉन्च की गई थी, क्या पर्पज था, या कह सकते हो आप क्या ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव के ऊपर भी सवाल पूछा जा सकता है। अभी तो आपसे फाउंडर पूछा गया कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया। ऑप्शंस हैं इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, रामाकृष्ण मिशन, आर्य समाज। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इधर यू नो इट और यू डोंट नो इट। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी तो आपसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछा गया है, आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता था कि भाई प्लेज मूवमेंट किस चीज़ के लिए थी। चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड थी, ठीक है, वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड थी, या फिर आपकी जो है यू कैन से दैट इट वॉज रिलेटेड टू यू नो अप्रेज द स्टेटस ऑफ SCs, जो लोअर कास्ट थे, अनटचेबल्स थे, उनका स्टेटस रेज अप करने के लिए थी, या एंटी जमींदार मूवमेंट थी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस पर्पज के लिए थी, चाइल्ड मैरिज के लिए थी। ऑलराइट, आंसर इस केस में क्या हो जाएगा आपका, आंसर इस केस में हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस जो है, उन्होंने ये प्लेज मूवमेंट लॉन्च की थी। अब सवाल मल्टीपल देखो और किस तरह से बन सकते हैं, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस के फाउंडर कौन थे, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ऑलराइट, तो चलिए इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो फाउंडर कौन थे, MG रनाडे एंड रघुनाथ राव। आपने याद रखना, MG रनाडे वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। हम अर्ली फ्रीडम स्ट्रगल की जब हम बात करते हैं आफ्टर 1857, तो MG रनाडे का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन के अंदर रहा है। ठीक है, एंड रघुनाथ राव, दो ये नाम आपने याद करने हैं। ये जो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस थी ना, इसकी एनुअल मीटिंग होती थी हर साल, पहला सेशन हुआ था मद्रास में। ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि पहला सेशन कब हुआ था, 1887 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, मद्रास में हुआ था। ठीक है, और इसका जो सेशन होता था ना, वो सेम टाइम पर और सेम वेन्यू पर होता था जहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता था। तो आप कह सकते हो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के साइमल्टेनियसली ये इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस का सेशन भी होता था। मद्रास में पहला सेशन हुआ 1887 में, फाउंडर थे MG रनाडे और रघुनाथ राव। यहाँ पर वीडियो में साथ साथ याद करते हुए चलना है आपने। ठीक है, PDF तो मिल जाती है, लेकिन PDF इकट्ठी होती रहती हैं वो। वीडियो अगर आप देख रहे हो, वीडियो का पर्पज ही ये है कि आप साथ में याद करते जाओ चीज़ों को, पाइलअप मत करो। PDF फाइल्स हजारों पाइलअप हो जाएंगी, हजारों PDFs YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इंटरनेट पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, PDF तो बहुत सारे हैं। ठीक है ना, द कॉन्फ्रेंस एडवोकेटेड इंटरकास्ट मैरिजेस। अब क्या क्या प्रमोट किया इन्होंने, इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करते थे, पॉलीगैमी यानी कि हैविंग मोर देन वन वाइफ, इसको अपोज करते थे। कुलिनिज्म वॉज ऑल्सो अ प्रैक्टिस, बैड प्रैक्टिस रिलेटेड टू मैरिज, उसको भी अपोज करते थे। एंड साथ ही साथ इन्होंने प्लेज मूवमेंट जो है उसको भी लॉन्च किया, एंड दिस वॉज टू इंस्पायर द पीपल टू टेक अ प्लेज अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये सारे फैक्ट्स हैं, क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू वहाबी मूवमेंट. आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है रिलेटेड टू वहाबी मूवमेंट. पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये जो मूवमेंट थी एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी. देखो रिवाइवलिस्ट का क्या मतलब होता है. रिवाइवलिस्ट का मतलब होता है कि गोइंग बैक टू द टाइम. ऑल राइट, जैसे आर्य समाज ने कहा गो बैक टू वेदास. ठीक है, यानी कि आप एंशियंट टाइम्स, जो एंशियंट टाइम में नॉर्म्स थे, जो एंशियंट टाइम में सोशल एस्पेक्ट्स थे, उसके ऊपर आप वापस जाना चाहते हो. ठीक है, तो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था कॉलिंग द मुस्लिम्स टू रिटर्न टू द ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम, द स्पिरिट ऑफ इस्लाम दैट वॉज गिवन बाय द फाउंडर्स ऑफ इस्लाम. तो ये बेसिकली फर्स्ट स्टेटमेंट कहना चाहता है. दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि 1857 के रिवोल्ट के समय, ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट, द वहाबी प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स. एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स स्प्रेड करने में 1857 के रिवोल्ट के समय इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. तो आपको बताना इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है. ऑल राइट, वन ओनली, टू ओनली, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, विच इज करेक्ट. ये यहां पर स्टेटमेंट में लिखना भूल गया हूं, विच इज करेक्ट. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला, दूसरा, दोनों या कोई भी नहीं. ठीक है जी, चलिए तो आंसर इस केस में क्या हो जाएगा. देखो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था. दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है. सो द आंसर हियर विल बी ऑप्शन सी. अब वहाबी मूवमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं. वहाबी मूवमेंट वॉज ऑल्सो नोन एज वली उल्ला मूवमेंट. देखो ये ज्यादातर जो मूवमेंट्स होती थी देवर नेम्ड आफ्टर द फाउंडर. ओके, फाउंडर के नाम पर थी. अभी मैंने आपसे फाउंडर नहीं पूछा इसका, लेकिन फाउंडर का नाम भी पूछा जा सकता है डायरेक्टली ईपीएफओ में, स्पेसिफिकली यूपीएससी ईपीएफओ में स्पेसिफिकली पूछा जा सकता है. ओके, सो द टीचिंग ऑफ अब्दुल वहाब ऑफ अरेबिया एंड द प्रीचिंग्स ऑफ शाह वली उल्ला इंस्पायर्ड द एसेंशियली रिवाइवलिस्ट रिस्पॉन्स टू वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस. देखिए अगर मैं कोई नाम प्रोनाउंसिएशन गलत ले देता हूँ तो उसको आप दिल से मत लगाइएगा. ठीक है, बिकॉज रीजन वाइज जो है कई बार प्रोनाउंसिएशन जो है गड़बड़ हो सकती है, तो उसको गुस्ताखी समझ करके माफ कर दीजिएगा. ठीक है ना, तो अब्दुल वहाब ऑफ अरेबिया एंड द प्रीचिंग ऑफ शाह वलीउल्ला इंस्पायर्ड द एसेंशियली रिवाइवलिस्ट रिस्पॉन्स टू वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेज. जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इंडिया के अंदर आ रहा था, जो यूरोपियंस का इन्फ्लुएंस इंडिया के अंदर आ रहा था, सो दे बिलीव कि इसकी वजह से जो मुस्लिम कल्चर है उसमें डी जनरेशन हो रहा है, एंड दैट इज वाई दिस मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड. और ये जो मूवमेंट है इट वॉज कॉलिंग फॉर अ रिटर्न टू द ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम. ओके, जो भी अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस थी जो मुस्लिम सोसाइटी के अंदर आ चुकी थी उनको एलिमिनेट करने की यहाँ पर बात हो रही थी. सो सैयद अहमद हु वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद दिस वहाबी मूवमेंट, ही कॉल्ड फॉर अ रिटर्न टू द प्योर इस्लाम. प्योर इस्लाम पर जाने की इन्होंने बात की, ऐसी सोसाइटी, ऐसी इस्लामिक सोसाइटी विच वो एग्जिस्टेड इन अरेबिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद. ऑल राइट, नाउ इंडिया वॉज कंसिडर्ड टू बी दर उल हरब. दर उल हरब क्या होता था, लैंड ऑफ काफिर्स. जो नॉन मुस्लिम फॉलोअर्स हैं, नॉन इस्लामिक्स हैं, उनको कहा जाता था काफिर. तो दर उल हरब इसको बोला जाता था इंडिया को. एंड जो वहाबीज थे दे प्रमोटेड कि इंडिया जो है इसको कन्वर्ट करना होगा टू दर उल इस्लाम, दैट इज द लैंड ऑफ इस्लाम. ओके, वेयर द इस्लामिक टीचिंग्स, इस्लामिक प्रीचिंग्स दैट हैव बीन गिवन बाय द प्रॉफिट, वो कंप्लीट उसके अंदर आ जाए. ओके, नाउ इनिशियली द मूवमेंट वॉज डायरेक्टेड एट द सिक्स. जब ये मूवमेंट इंडिया में आई उस समय ये सिक्स के अगेंस्ट थी, पंजाब में जो सिक्स थे. लेकिन जब पंजाब का एनेक्सेशन हो गया 1849 में, तब ये मूवमेंट वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश. 1857 के रिवोल्ट के समय वहाबीज ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन स्प्रेडिंग एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स. अल्टीमेटली जो वहाबी मूवमेंट है इसको कंप्लीटली फिजल आउट कर दिया गया, इसको कंप्लीटली खत्म कर दिया गया, रौंद दिया गया ब्रिटिश मिलिट्री माइट के द्वारा. 1870s तक ये मूवमेंट जो है इंडिया में निल ऑलमोस्ट हो चुकी थी. ऑलराइट, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वहाबी मूवमेंट से रिलेटेड. अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल आता है तो वो आपके सवाल अब गलत नहीं होना चाहिए. ओके, देर वॉज वन अदर इंपॉर्टेंट मेंबर एसोसिएटेड विद वहाबी मूवमेंट, वो भी अभी आपको मैं बताऊंगा एक. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who among the following is said to be the founder of Titu Mir movement? Titu Mir movement के founder कौन थे? Option A, Syed Ahmed Barelvi. Option B, Mir Nithar Ali. Option C, Shah Abdul Aziz. और Option D, Shah Waliullah. बताइए founder कौन थे Titu Mir movement के. Okay? कंटिन्यूएशन है एक तरह से. वहाबी movement आई, वहाबी movement के बाद ये Titu Mir movement भी जो है आपको देखने को मिलती है. एक तरह से जो टीचिंग्स हैं, फाइंडिंग्स हैं, ऑलमोस्ट सारी सेम हैं. ओके, सो द आंसर हियर विल बी ऑप्शन बी, मीर निथर अली. तो एक बार पढ़ लेते हैं इस मूवमेंट के बारे में भी. सो मीर निथर अली हु वाज पॉपुलरली नोन एज टीटू मीर
ही वॉज अ डिसिपल ऑफ सैयद अहमद बारेलवी। सैयद अहमद बारेलवी जो थे ये फाउंडर थे आपके वहाबी मूवमेंट के। देखो अभी आप कहोगे कि सर आपने पीछे बताया कि वहाबी मूवमेंट के जो फाउंडर थे वो थे अब्दुल वहाब और शाह वलीउल्लाह, ठीक है, ये फाउंडर्स थे। लेकिन इंडिया में उसके बाद सैयद अहमद जो थे, सैयद अहमद बारेलवी जो थे, इन्होंने इसको और ज्यादा प्रोमिनेंट जो है इंडिया के अंदर किया। ऑलराइट, जो आपके अब्दुल वहाब थे या जो शाह वलीउल्लाह थे ये तो अरब में थे, ओके, अरेबिया में थे, वेस्ट एशिया में थे। लेकिन अल्टीमेटली इंडिया में इसको किसने प्रीच किया? सैयद अहमद बारेलवी ने। इसलिए फाउंडर इन इंडिया सैयद अहमद बारेलवी होगा, ओके, टीटू मीर मूवमेंट का। टीचिंग्स अरेबिया से ली गई थी, ओके, सो ओरिजिनल फाउंडेशन जो ये मूवमेंट है वहाबी मूवमेंट, ओरिजिनली इट वॉज नॉट फाउंडेड इन इंडिया, समझ रहे हो? इंडिया में फाउंडर जो थे वो सैयद अहमद बारेलवी थे। ऑलराइट, तो ये चीज एक ध्यान में रखनी है आपने। टीटू मीर अडॉप्टेड वहाबिज्म एंड एडवोकेटेड शरिया, ऑर्गेनाइज मुस्लिम प्रेजेंट्स ऑफ बंगाल अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स, और ये जो ज्यादातर लैंडलॉर्ड्स होते थे ये मोस्टली हिंदू होते थे, और ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट भी इन्होंने रिवोल्ट किया। अल्टीमेटली दिस मूवमेंट ऑल्सो डाइड डाउन बाय 1870s 1880s। ओके, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ फराइदी मूवमेंट? दुदू मियान, हाजी शरियतुल्ला, मोहम्मद अली जिन्ना और मोहम्मद इकबाल। अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है, सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी, हाजी शरियतुल्ला। ऑलराइट, सो इस मूवमेंट को फयाजी मूवमेंट भी कहा जाता है। ऑलराइट, एंड ये जो मूवमेंट थी इसका मेन एम्फोसिस था इस्लामिक पिलर्स ऑफ फेथ पर। 1818 में इसकी फाउंडेशन की गई, ईस्ट बंगाल में मेनली प्रोमिनेंट थी ये मूवमेंट। ये भी बात वही कर रही थी जो वहाबी मूवमेंट कर रही थी, कि जो अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस आ गई हैं इंडियन मुस्लिम्स के अंदर उसको कैसे खत्म किया जाए, उसको कैसे इरेडिकेट किया जाए, जो नई सोशल इनोवेशंस यूरोपियन पावर्स इंट्रोड्यूस कर रहे थे वो कैसे उनको खत्म कर सकें। ओके, हाजी सन दुदू मियान वॉज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ दिस पर्टिकुलर मूवमेंट। ओके, और जो ये फराइज़ीज थे या जो फराइदीज थे ये अपने आप को इन्होंने पैरामिलिट्री फोर्स में ऑर्गेनाइज किया, एंड हथियार वगैरह ये फोर्सेस को इन्होंने प्रोवाइड कराए। ओके, और इस पैरामिलिट्री फोर्स का काम क्या था? ये जमींदार्स जो होते थे बंगाल के, जो मोस्टली हिंदूज होते थे, उनके खिलाफ इन्होंने अपनी जंग जो है वो छेड़ दी। ओके, कुछ मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स भी होते थे, लेकिन आगे चलकर ब्रिटिशर्स ने इसको हाईलाइट किस तरह से किया कि जो इस्लामिक्स हैं, जो मुस्लिम्स हैं, वो हिंदूज के अगेंस्ट जो है जिहाद कर रहे हैं। ओके, ऑलराइट, नाउ द फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन, द अहमदिया मूवमेंट स्प्रेड वेस्टर्न लिबरल एजुकेशन अमंग द इंडियन मुस्लिम्स। अहमदिया मूवमेंट ने वेस्टर्न लिबरल एजुकेशन स्प्रेड की इंडियन मुस्लिम्स में। स्टेटमेंट टू कहता है, दे बिलीव्ड इन सेपरेटिंग द मॉस्क फ्रॉम द स्टेट। मॉस्क को स्टेट यानी सरकार से अलग करने का इन्होंने, इनका बिलीव था। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बहुत ध्यान देना है करेक्ट और इनकरेक्ट पे, ये बार बार रेपिटेशन में कर रहा हूँ। सो ऑप्शन ए सेज वन ओनली, बी सेज टू ओनली, सी सेज बोथ ऑफ द अबव, और डी कहता है नन ऑफ द अबव। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना है। देखो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, वेस्टर्न लिबरल एजुकेशन को प्रमोट करते थे, ठीक है, तो अपना वन ओनली नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी कहता है दे बिलीव्ड इन सेपरेटिंग द मॉस्क फ्रॉम द स्टेट। मॉस्क को, मस्जिद को स्टेट से यानी कि सरकार से अलग करने की बात यहाँ पर हो गई, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो अब हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर इसमें हो जाएगा नन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। ओके, अहमदिया मूवमेंट के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो अहमदिया जो है वो एक सेक्ट जो है इस्लाम का बन करके आया। जैसे आप देखते हैं कि इस्लाम के अलग अलग सेक्ट्स हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं, शिया सुन्नी, वैसे ही अहमदिया भी एक सेक्ट है इस्लाम का। और ये जो सेक्ट है इट ओरिजिनेटेड इन टू इंडिया। अब जैसे वहाबी मूवमेंट है, मैंने कहा कि वो इंडिया में ओरिजिनेट नहीं हुई है, ठीक है, वो ओरिजिनेट कहाँ पर हुई है? अरेबिया में। इंडिया में ओरिजिनेट नहीं हुआ है, लेकिन जो आपकी अहमदिया मूवमेंट है ये इंडिया में ओरिजिनेट हुई है। इसके ऊपर भी वो सवाल बना सकता है स्टेटमेंट डाल करके। ओके, और इसके फाउंडर कौन थे? मिर्जा गुलाम अहमद। 1889 में इसकी फाउंडेशन हुई, लिबरल प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अगर आप देखें ये ब्राह्मो समाज के ऊपर इसने अपने आप को बेस किया, जैसे ब्राह्मो समाज बात करता था यूनिवर्सल रिलीजन की बात करता था, जिहाद को इन्होंने अपोज किया, जिहाद इज बेसिकली सेक्रेड वॉर अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स और काफिर्स। ओके, तो इन सब चीज़ों को इन्होंने जो है इसका विद्रोह किया। द मूवमेंट स्प्रेड वेस्टर्न लिबरल एजुकेशन, वेस्टर्न लिबरल एजुकेशन इंडियन मुस्लिम्स के अंदर इन्होंने स्प्रेड की। वहाबी मूवमेंट और टीटू मीर मूवमेंट जो है वो तो
क्या कह रहे थे, वो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स थी, वो पीछे जाने की बात कर रहे थे, और अहमदिया मूवमेंट वॉन्टेड टू टेक द मुस्लिम्स फॉरवर्ड. ऑल राइट, द अहमदिया कम्युनिटी इज द ओनली इस्लामिक सेक्ट टू बिलीव दैट मसीहा हैड कम इन द पर्सन ऑफ मिर्जा गुलाम अहमद. तो मसीहा हैड कम इन टू पर्सन, यानी कि एक तरह से आप जैसे हिंदू धर्म में कहते हैं ना अवतार, तो मिर्जा गुलाम अहमद जो है वो मसीहा का अवतार है, जिनका जन्म हुआ है, जो रिलीजियस वॉर चल रहा है दुनिया में उसको खत्म करने के लिए, जो खून खराबा धर्म के ऊपर चल रहा है उसको खत्म करने के लिए, और मोरालिटी, पीस और जस्टिस को दोबारा से दुनिया के अंदर लाने के लिए. ओके, एंड अहमदियाज ऑल्सो बिलीव इन सेपरेटिंग द मॉस्क फ्रॉम द स्टेट. ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है. ऑल राइट, तो अब हमने जितनी मूवमेंट्स की हैं, चाहे वो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस है, या हमने बात की अहमदिया मूवमेंट की, वहाबी मूवमेंट की, टीटू मीर मूवमेंट की, तो इन सारे टॉपिक्स में से अगर कोई सवाल अब आपका आ जाता है तो वो सवाल गलत नहीं होना चाहिए. ओके, चलिए. सो ऑल राइट गाइस, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे. एज यूजुअल 5 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं. मज़ा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, ठीक है. रीच जितनी ज़्यादा बढ़ेगी चैनल की, उतना ज़्यादा चैनल ग्रो करेगा और उतना ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा. ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय.